साथियों जयपुर निवासी वे डरते हैं, वे डरते हैं तमाम दंदौलत गोला बारूद पुलिस फोर्स के बावजूद वे डरते हैं कि किसी एक दिन निहत्ते और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। और ये आज वो जनसलाब है कि हमने अब इन बेईमानों से चोरों से डरना बंद कर दिया। और मैं सम्मानित मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने जिंदा जमीनों की मिसाल दी, क्योंकि बहुत खूबसूरत किसी शख्स ने कहा है कि मैं जमीन, मैं शरीर के मरने को मौत नहीं मानता, मैं जमीन के मरने को मौत मानता हूँ। और अगर जिनका जमीन बन गया उनका क्या कहना। और शुक्रिया अदा करती हूँ आदरणीय माननीय पावन मेश्राम जी का, जिन्होंने ये बेड़ा उठाया और इसको एक राष्ट्रव्यापी पूरा देश भर का आंदोलन बनाया। और आप सब लोग दूर दूर से यहाँ पे एक हुए इस बेईमानी के खिलाफ, जो लूट मार बेईमानी ठगी हमारे तक हो रही है हर तरीके से, उसके खिलाफ आज एक जनसलाब आया है। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। और ये लड़ाई सिर्फ ये नहीं है कि जो लोग चला रहे उन्हीं की है, ये लड़ाई हम पढ़े लिखे युवाओं ने विश्वविद्यालय से भी शुरू कर दी। इसलिए 150 दिन से ज्यादा जिस संघर्ष में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठी हूँ, उस वाइस चांसलर को जो आरएसएस के जिम्मेदार है उसको डर इस चीज का है कि इस मंच से ईवीएम के खिलाफ बात हो रही है, इस मंच से रोजगार की बात हो रही है, एससी के हक अधिकार इन्फॉर्मेशन तथा संविधान घोटाले की बात हो रही है। ये लोग तो जागरूक हो गए, ये लोग तो समझ गए कि हम इनकी खेल के साथ क्या शरारत कर रहे हैं। बट साथियों मैं ये बता दे रही हूँ आपको, और आप सब इस चीज को समझते हो, वो लोग भारत को क्या बचाएंगे जिन्होंने भारत बनाया ही नहीं है। तो जिन लोगों ने भारत को बनाया है वो हम लोग हैं। हम भारत के लोग, जो लोग खुद विदेशी हैं वो क्या जानेंगे भारत को कैसे बचाना है। हम लोग माफी मांगने वालों की औलाद नहीं है, हम लोग घुटने टेकने वालों के वंश नहीं है। हम लोग अम्बेडकर, शाह, फरियाद, फूले, सरदार फूले, इन लोगों के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के शक्तियों के वंश है। तो प्राउडली वर्ष से कहते हैं हम अम्बेडकर वादी है, संघर्षों के आदि है। और साथियों इससे ज्यादा क्रूर थे ना गोरे, गोरे तो ज्यादा खतरनाक थे ना। अगर हम उनको भगा सकते हैं तो ये सावरकर की नस्लें क्या जीना हमारे सामने। कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। और ये तैयारी कर ले, इनका सुपड़ा साफ बड़ी जल्दी होने वाला है यहाँ से। और लोगों ने मुझसे पूछा अभी कि मैडम बताओ क्या होगा, इलेक्शन कमीशन तो नहीं मान रहा है। तो कल ही एडवोकेट महमूद फाका जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है तो कोई बात नहीं, तैयारी रखे, सबसे पहले ताला उसके दफ्तर के बाहर लगेगा, सबसे पहला ताला उसके दफ्तर के बाहर लगाया जाएगा। और दूसरा ताला जो हमारे लोगों को डराया जाता है ईडी से, दूसरा ताला ईडी ऑफिस के बाहर लगेगा। ये देख लो जनसलाब। और साथियों याद रखना, ये लोग याद रखेंगे ये डेमोक्रेसी लोकतंत्र जहाँ पे लोगों का राज होता है, और फैसला उस अदालत में नहीं आएगा जो बंद कमरे में होती है, अब फैसला जो भी आएगा सत्ता की अदालत में आएगा। और आप लोगों की अदालत फैसला करेगी, वही फैसला सबसे सर्वोपरि होगा। और मैं दलित की बेटी, भारत की बेटी, ये बता दूं आप सबको कि मैं फूल नहीं हूँ, मैं फूलन हूँ। हम एक एक महिला फूलन है। और याद रखे अंत में यही कहूंगी, हम सब लड़ेंगे साथियों, लड़ेंगे जीतेंगे, लेकिन लड़ने का एक मेथड है। कैसे लड़ेंगे, सब मेरे साथ लड़ेंगे, लड़ेंगे भीमा कोरे गांव की तरह, लड़ेंगे भीम राव की तरह, लड़ेंगे भीमा कोरे गांव की तरह, लड़ेंगे भीम राव की तरह। धन्यवाद।